अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दीबास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, इट्स फ्री। तो आइए कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ मैंने 750 ग्राम लौकी लिया है, जिसे मैंने छील कर कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालकर मिला लेंगे और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जब लौकी पानी छोड़ दे तो उसे हाथों की मदद से गाल ले। ये पानी हम ग्रेवी बनाने के लिए यूज करेंगे। अब लौकी में 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 ब्रेड की स्लाइस पानी में भिगोकर उसे निचोड़कर इसमें तोड़ ले और उसे मिक्स कर ले। फिर इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालकर मिला ले और इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना ले। अब कोफ्तों को कॉर्नफ्लोर से अच्छी तरीके से चारों तरफ से कवर कर दे। एक पैन में ऑयल गरम करके उसमें कोफ्ते तल ले। कोफ्तों को चारों तरफ से अच्छी तरीके से तले। अब एक पैन में ऑयल गरम करके उसमें 2 बड़े प्याज चॉप किए हुए, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टमाटर चॉप किया हुआ, 5 से 6 काजू के पीसेस डालकर भून ले और उसे पीस ले। एक बार फिर पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम कर ले। फिर उसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता डालकर मिला ले। फिर इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और प्याज और टमाटर का पेस्ट डालकर मिला ले। और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर मसाले को भून ले। जब मसाला भुना जाए तो उसमें लौकी का पानी डाल दे। और मिला ले। अब इसमें 1 टेबल स्पून दही डाले और मिला ले। फिर कुछ देर बाद उसमें 1/4 टीस्पून भुना हुआ गरम मसाला पाउडर डालकर 5 मिनट के लिए उसे पका ले। अगर ग्रेवी गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पका ले। ग्रेवी में हमने नमक नहीं डाला है क्योंकि लौकी के पानी में ऑलरेडी नमक था। अगर आपको नमक कम लगे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक डाल ले। फिर उसके अंदर कोफ्ते डालकर उसे 5 मिनट के लिए पका ले। लौकी के कोफ्ते तैयार हैं। इंशाल्लाह दोस्तों, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी।